फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज झटपट अंडे का भुजिया बनाना बताती हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी और ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये मैंने 7 अंडे लिए हैं, ये मैंने धनिया ले लिया है गार्निश करने के लिए, ये मैंने मटर लिए हुए हैं, मटर का सीजन है, और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज़ मैंने लहसुन को चॉप कर लिया है ऐसे बीच बीच में से, और मैंने मिर्च को चॉप कर लिया। इतनी चीज़ों से हम बनाएंगे अंडे का भुजिया। अब मैं क्या करूँगी कि हम पहले कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाए, ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया था, कढ़ाई में से मैं तेल गर्म हो चुका है, और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें डालूँगी हल्का सा जीरा, आधा टीस्पून ही हाफ जीरा है, बहुत ज़्यादा जीरा यूज़ नहीं किया है मैंने, और इसमें मैंने मिर्च डाल दूँगी जो मैंने चॉप किया हुआ था, और फिर इसी में हम लहसुन डाल देंगे। हल्का सा इसे क्रंचीपन लाना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा क्रंच हो जाए, जैसे कि सिर्फ 30 से 40 सेकेंड सिर्फ हमें सिर्फ इसको क्रंच करना है। आप देख सकते हो ये क्रंची हो चुका था, मैं प्याज डाल दूँगी, सिर्फ हमें इसमें क्रंचीपन लाना है, सिर्फ इसका मतलब कि कच्चापन हमें सिर्फ निकालना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे मिर्च हो, कुछ भी हो। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट के बाद मैं इसमें क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा मैं मसाला ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए। ये मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच टीस्पून है, ये घर वाला नहीं है, टीस्पून है, 1 चम्मच टीस्पून, और आधा टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, घर का पीसा गरम मसाला है, मार्केट का नहीं है। और इसमें हम डालेंगे हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक, आधा टीस्पून ही नमक भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसमें लास्ट में ब्लैक पेपर सॉल्ट भी डालेंगे। अब मैं इसको मिलाती हूँ, मिला के अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट, 5 मिनट भूनने के बाद, ये 5 मिनट हो चुका है, मैं इसमें मटर डाल दूँगी, और मटर को डाल के फिर हम इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट चलाएंगे, 5 मिनट क्या सिर्फ 3 मिनट से ही चलाना है, क्योंकि ये हमारा हरा मटर है ना, तो हरा मटर तो बनके तुरंत तैयार भी हो जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था कि मटर अच्छे से गल जाए, थोड़ा सा ही पानी ऐड की हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही कम पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, ये 2 मिनट मैंने इसको चलाया। अब मैं इसमें अंडा डाल दूँगी, ये मैंने अंडा फेंट करके रख लिया था, आप लोग भी अंडा फेंट करके ही डालिएगा, मतलब सीधे अंडा मत फोड़ दीजिएगा कढ़ाई में, नहीं तो फिर वो अच्छे से फैल नहीं पाता है, इसलिए आप लोग अंडा को पहले कटोरी या किसी में फोड़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इसमें डालिएगा। ये देखिए मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट मैंने कही थी ना मैं डालूँगी, इसलिए मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट इसमें डाल दिया है, और इसको हम लोग डाल देंगे जो अभी मैंने हमने जो मटर का बनाया हुआ था। ये देखिए मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, भूने का मतलब कि इसको हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि ये सूखा नहीं हो जाता, जैसे ये सूखा हो जाएगा हमारा अंडा का भुजिया बनकर तैयार हो जाएगा। कितना ईजी है ना, बहुत ही ईजी है, आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए 2 मिनट में सूखा भी हो गया। अब मैं गैस को ऑफ करके इसमें मैं धनिया गार्निश कर दे रही हूँ। मटर ज़रूर आप लोग ऐड कीजिए अगर, क्योंकि मटर तो भाई बहुत ही टेस्टी लगता है, किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, ताज़ा मटर की तो बात ही अलग हो जाती है। ये देखिए हमारा हो चुका है, मैं गैस को ऑफ़ कर दे रही हूँ और धनिया से मैं इसमें गार्निश कर दे रही हूँ। आप देख सकते हो कितना टेस्टी यमी दिख रहा है। आप लोग भी इसको झटपट बनाइए, रोटी के साथ खाइए, चाहे चावल दाल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यमी लगता है। ये मैं धनिया से हल्का सा गार्निश कर दे रही हूँ, धनिया से गार्निश हम लोग इसलिए करते हैं थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, भाई इंडियन है, इंडियन लोग तो गार्निश धनिया में खाते ही हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।